वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत है सो so, आर uh, की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें आज आरएमएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था क्लास सिक्स एंट्रांस के लिए आर्मी के द्वारा <coughs> तो उसकी आंसर की को हम डिस्कस कर रहे हैं इससे पहले हमने जीके मैथ और इंग्लिश की आंसर की को हमने डिस्कस कर दी uh, कर चुके हैं अब आपके सामने जो है वो रीजनिंग की आंसर की रहेगी तो सीरीज ए को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें वन जीरो वन एक सौ एक क्वेश्चन का जो राइट right आंसर था आपको यहाँ पे आंसर हिट करने थे तो सिर्फ आंसर की को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो जो है वो आपको हाल ही जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी सिर्फ आंसर की के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं वन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा वन का ऑप्शन नंबर बी सत्ताईस सत्ताईस राइट आंसर है 103 का राइट uh, आंसर right रहेगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट नेक्स्ट 104 का जो आपका आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए 14 इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट 105 जो है उसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एफ डी डब्ल्यू एफ डी डब्ल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नेक्स्ट 106 में आपको ओड आइटम बतानी थी तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि बाकी सभी सभी ग्रह हैं और रवि जो है वो एक दिन का नाम है नेक्स्ट वन जीरो सेवन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा वेस्ट इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट वन जीरो एट का भी आपके पास डी ही रहेगा बारह राइट आंसर नेक्स्ट एक सो नो है एक सौ नो का भी ऑप्शन नंबर डी ई ए एल वी ये राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट एक सो दस नंबर का क्वेश्चन था जो कि ब्लड रिलेशन से जुड़ा था इसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बहन नेक्स्ट 111 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट right आंसर था ऑप्शन नंबर सी 5329 नेक्स्ट 112 आपको अर्थ पूछा गया था यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके पास रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 113 जिसमें आपको डिक्शनरी uh, के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको असेंबल करने थे कुछ वर्ड्स इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके पास रहेगा टू वन फोर फाइव थ्री

फोर्टिन right इसका राइट आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ सोलह है द्वारा एक सौ सत्रह नंबर का जो क्वेश्चन था उसका है ऑप्शन नंबर सी ओडीएस इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट 118 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी सत्ताइस सो उन्नीस का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एक दिन पहले नेक्स्ट एक सौ बीस नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी फोर टू वन थ्री फोर टू वन थ्री ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट एक सौ इक्कीस नंबर का क्वेश्चन जिसमें एक आ? पजल की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक सौ इक्कीस नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए निखिल इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू 122 का है ऑप्शन नंबर डी आईडी बी एच ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन 123 123 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्व आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन अकॉर्डिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है आपका ये पूछा गया था 124 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट 125 मैथमेटिकल ऑपरेशन से बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बोर्ड मास की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते थे 125 का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 126 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा दस और पांच सौ बिल्कुल सही आंसर है 127 का भी ऑप्शन नंबर सी है नॉर्थ वेस्ट राइट आंसर है नेक्स्ट 128 का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 64 फोर इज द राइट आंसर ये आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सीरीज ए को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपके सभी आंसर जो है वो यहाँ तक सही है 129 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129 अराउंड को चेंज uh, किया था आपको ग्राउंड बताना था तो ये क्वेश्चन आपका गलत है कहीं ना कहीं पे क्योंकि जब आप देखेंगे ए आर को ही चेंज किया गया है आर ए में और बाकी ओ यू एन डी बिल्कुल राइट लिखा गया है सेम टू सेम लास्ट के फोर डिजिट सेम लिखे गए हैं बाकी कोई चेंज नहीं किया गया है वैसे यहाँ पे जी आर को चेंज करना था आर जी आना था और बाकी आपका सेम रहना था ओ यू एन डी में तो यहाँ पे 129 क्वेश्चन आपका गलत है बाकी डिपेंड करता है ऑफिशियल आंसर की के ऊपर नेक्स्ट 130 क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नो इसका सही आंसर है नेक्स्ट वन थर्टी वन क्वेश्चन है इसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन बी रेत यानी कि सैंड नेक्स्ट एक सौ बत्तीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीस नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सौ तेतीसवा क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जुड़ा था तो काफी अच्छी रीजनिंग जो है वो पूछी थी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की भी रीजनिंग जो थी वो यहाँ पे पूछी थी एक सौ तेतीसवे का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंटी नेक्स्ट 134वां क्वेश्चन 134 का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 14 किलोमीटर राइट आंसर है नेक्स्ट 135 क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था 135 का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5247 5247 चेक कर लीजिए आप 136 136 का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 169 ये स्क्वायर था जैसे दस और ग्यारह फिर बारह और तेरह आना था 169, C, right Next, 137, का ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट सेवन एडवांस लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि सिक्स लेवल का एग्जाम है लेकिन कहीं ना कहीं पे रीजनिंग जो थी वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी एक सौ सैंतीस में का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मदर नेक्स्ट वन थर्टी एट क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी सेवन सीरीज ए को हम डिस्कस कर रहे हैं 139 का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 35 नेक्स्ट 140 140 का राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल या फिर गवर्नर 141 का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टी इसका राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 142 का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए हंड्रेड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना था ओड वन आउट तो देखिए यहां पे ओड वन आउट जो है वो आपके किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं जैसे कि यहाँ पे वन जीरो सारे क्या है आपके इवन है और वन जीरो वन क्या है ओड नंबर है या फिर यहाँ पे ऐसा भी आप फिनोमिना लगा सकते हैं कि बाकी सारे दस जो है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है और बाकी कोई भी रकम किसी की स्क्वायर नहीं है ऐसा भी फॉर्म फिनोमिना लग सकता है तो मेजॉरिटी जो है वो स्केयर को पहले दी जाती है इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट 143 क्वेश्चन जो है इसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मदर इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट 144 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे गलती है तो अभी इसको हम थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं बाकी डिपेंड करता है ऑफिशियल आंसर की के ऊपर uh, 144 क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिए कि आंसर क्या रहेगा मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ गलती है नेक्स्ट 145 जो है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा नेक्स्ट 146 क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये भी कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था नेक्स्ट 147 147 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा बी ई एफ बी ई एफ इसका राइट right आंसर रहेगा 148, 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये भी कोडिंग डिकोडिंग से था कोडिंग के ज्यादा से ज्यादा आपके छह सात क्वेश्चन पूछ लिए गए थे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन से भी चार क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 149 क्वेश्चन आपको नेशनलाइजेशन से बोला गया था कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता तो इसका है इंस्टॉलेशन तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था वन तो यहाँ पे आपको बताना था पांच का एक सौ पच्चीस क्यूब है तो छ का भी आपको क्या करना है क्यूब है छे का छत्तीस छत्तीस को छह से गुणा करेंगे दो सौ सोलह यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है तो हमने ये रीजनिंग की भी आंसर की को डिस्कस कर लिया हम हमने सबसे पहले आपको जीके नेक्स्ट आपको मैथ उसके बाद आपको इंग्लिश आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी गई थी अब आपको रीजनिंग इंटेलिजेंस की भी आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी गई 200 नंबर का आपका टोटल एग्जाम पूछा गया था आज आरएमएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया सत्रह दिसंबर 2023 को तो उसकी पूरी कंप्लीट आंसर की हमने आपके साथ डिस्कस की जल्दी ही इसका कंप्लीट सोल्यूशन के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था ढाई घंटे का आपका एग्ज़ाम था और कहीं ना कहीं पे जब मैंने ये पेपर जो है वो यहाँ पे इसकी आंसर की बनाई तो मेरे को रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी बच्चों के लेवल से थोड़ी सी अप लगी बाकी मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी था जीके सबसे ज्यादा इजी बिल्कुल स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जी ट्वेंटी से रिलेटेड बाकी भारत की राजधानी क्या है नई दिल्ली ये आप पे बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे तो आई होप आपका एग्जाम काफी बेहतर गया हो आपका एग्जाम क्रैक हो वेस्ट बेसिज विजयपथ एजुकेशन आपको देता है तो जल्दी ही इसके सॉल्यूशन के साथ हम आपसे जुड़ेंगे अभी सिर्फ हमने आंसर की को डिस्कस किया है तो क्लास को एक बार शेयर आप जरूर कीजिए और विजयपथ एजुकेशन के साथ आप बने रहिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत